तो आप लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हो? हाँ, चाय और क्या कुछ बात होती है चुनाव नाव की? अब चुनाव का देखो, अब आदमी ये सोचता है कि मान लीजिए आदमी जो है कहीं अगर जो जाता है तो माहौल के हिसाब से सोचता है कि हमारा जो वोट है खराब ना होने पाए माहौल के हिसाब से। और आपको तो मालूम ही है, कल पे वहाँ कल तो आए थे महाराज जी। कहाँ आए थे? मालूम है वहाँ मेहदावल में आए थे। अच्छा, उन्हीं का है। उन्हीं का है, उन्हीं का है वोट, उन्हीं का है। क्या ऐसा काम कर दिया कि आप लोग खुश हो उनसे? अरे भाई, अब काम तो दिख ही रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग तो उसमें तो कुछ कहने की बात है नहीं, सामने दिख रहा है। कुछ बता दीजिए, निषाद लोग जैसे यहाँ पर जो निषाद वोटर्स हैं वो दो पार्टियों में बट जाएंगे कि नहीं? क्योंकि इंडिया गठबंधन से भी निषाद खड़े हैं, बीजेपी से भी निषाद खड़े हैं, तो दोनों जो निषाद वोटर्स हैं तो क्या उस दोनों में बटेंगे? क्या लग रहा है? अब बटने वाला तो हिसाब दिख रहा है, दिख रहा है ना, बट सकता है, लेकिन मुश्किल है। फायदा किसका होगा? इन्हीं का होगा और किसी का? ऐसा है क्या, बीजेपी का ही फायदा है? निषाद पार्टी लड़ रही है निषाद से और वो पप्पू निषाद लड़ रहे हैं, फायदा किसका होगा? मोदी का। मोदी का फायदा? हाँ। कैसे? कैसे? काम बहुत कर दिए हैं भाई। क्यों काम किया भैया? काम तो हुआ है, लेकिन निषाद का, पप्पू निषाद का पलड़ यहाँ से भारी है, क्योंकि अगली बार भी वो पप्पू निषाद को लोग चुने थे और इस बार भी हो सकता है उन सबको चुने, क्योंकि ये बुनकर बाहुल एरिया है। मोदी के राज में ये हम लोगों को लॉस कर दिया, लॉस कर दिया एकदम पूरा 100% लॉस कर दिया। बिजली का बिल पहले जब था अखिलेश के दौर में तो फ्री आती थी, अब इनके दौर में हमको 900-1000 रुपया बिल देना पड़ता है एक लूम पीछे। तो बिल की वजह से यहाँ से जितने भी बुनकर बाहुल हैं वो आज से नहीं 20-9 साल से सिर्फ समाजवादी को ही वोट देते चले आ रहे हैं, क्योंकि फ्री में बिजली मिल रही थी। और 800 रुपया बंडा सूत रहा तो 120 रुपया चौका बिकात रहा, आज जो है 1600-1700 रुपया बंडा सूत है देव, आज जो है 100 रुपया 95 का चौका बिकात है ये सरकार ने। अच्छा, हाँ, इसको लोग डिमांड करते हैं आपके? डिमांड का करते हैं, जब बाजारे नहीं लगते सुतारे का डिमांड करी है। हाँ, तो ये मुनाफे में नहीं है? ना है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं भाई। हाँ, और आप का ये काम है, इसको आप सीखे हैं, इसकी जानकारी? कोई अल्ट्रासाउंड या इस तरह करावा भर का बीमा ना पटे ना बैठत, पैसा नहीं हो पाता, पैसा नहीं हो पाता ये सरकार में। फेमस है इतना 5 किलो गन्ना लेके का करी है, गुसो गेहूँ चावल 5 किलो लेके का करी है ये सब? हाँ, अब देखो पेट में दर्द, हफ्ता भर से दर्द है पेट में, का के इतना पैसा ना इधर के कहीं अल्ट्रासाउंड करा लें। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो आपका हथकरघा वाला काम है इससे इतना भी नहीं हो पाता कि? हाँ, 10 रुपया चौका बचा था, 10 रुपया कमाने का काम हो जाता है, का 50 रुपया काम हो तो पूरा घर मिला के 50 रुपये का काम। हाँ, कैसे खर्चा चलाते हैं? अब जो ना एक लूम है कोई 5 चौका दिन भर। माहौल क्या है आपके क्षेत्र में, क्या लग रहा है, कौन सी माहौल को लेकर चुनाव? तो क्या बता, हम लोग जो है मोदी साहब का अखिलेश को वोट देंगे हम लोग, अखिलेश को। हाँ, चलिए आइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। क्यों चाचा, आप भी हैंडलूम का काम करते हैं? हाँ हाँ, हैंडलूम। मुझे लगता है कि मैं ऐसी ही जगह पे आ गया हूँ कि यहाँ पर पूरा पावर लूम का ही काम। हाँ, बुनकर। मैं आपको बता दूँ ये बुनकर का एरिया है, ये खलीलाबाद में है, खलीलाबाद फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है हथकरघा उद्योग के लिए। यहाँ हाथ से कपड़ा काटते हैं और हाथ से बुनते हैं, आखिर अब पावर लूम की व्यवस्था हो गई, पहले तो चरखे से काटते। हाँ, पावर लूम का है, कोई भी कोई सरकार इसका धन वो नहीं करती है, न बजट मिलता है न कोई पाया नहीं। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसका नहीं, कोई नहीं होता है, कोई काम नहीं, नहीं। यहाँ का तो भाई अगर खलीलाबाद देखा जाए तो खलीलाबाद वहाँ काम होता है, बहुत पुराना काम है, लोग करते हैं, तो इसको तो बढ़ावा देना चाहिए। नहीं बढ़ावा हुआ आज तक कभी नहीं। कितने पावर लूम बिक गए यहाँ? क्या कह रहे हैं अंकल, कितने पावर लूम यहाँ के बिक गए? हाँ, ये जो है यहाँ के लोग सब बाहर चले गए कमाने के लिए, इतना परेशानी है। हाँ, जबकि हाँ
जो कि बढ़ावा होना चाहिए ना, लेकिन रोजी रोटी एकदम सब छीन गई। अच्छा। अब ये सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं, बिल्कुल हाँ बदलाव बिल्कुल चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। क्यों? हम लोग एकदम परेशान हैं, क्या कहें, रोजी रोटी चल ही नहीं रही है। क्यों चाचा, ये सही बात है, बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव? सरकार को बदलाव बोल रहे हैं कि पावर लूम का काम जो है सभी लोग यहाँ जो है समझ लीजिए 95% सब बुनकर है। अच्छा जी, इस क्षेत्र का क्या नाम है? ये बखीरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, नगर पंचायत बखीरा। तो यहाँ पर अधिकतर जो यहाँ के लोग आश्रित हैं वो पावर लूम पर ही आश्रित हैं। यहाँ के जो हैं अल्पसंख्यक लोग, खर्चा वगैरह चलता है पूरे दिन, बहुत दिक्कत है लोगों को। कैसे क्या नहीं, जैसे कहने का मतलब है 250 का काम करते हैं लोग और उनको 5-4 परिवार खिलाना है, उतने में हो जाएगा? 250 का काम होता है, बस वही होता है। ये हम तो पावर लूम का काम नहीं करते हैं, भले वो हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं ठीक है, वो अपने स्तर से कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। केवल इसमें कमी क्या है, देखिए केवल लड़की और लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है महंगाई की वजह से, बस बाकी हर चीज़, मकान मिल गया, लाइटिंग मिल गई, गल्ला मिल रहा है, सब खुशहाल हैं। उससे जो है शादी महंगाई इसलिए कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, उसको मोटरसाइकिल लेना है, कूलर लेना, फ्रिज लेना है, उसके बाद पैसा। ये तो दहेज, तो ये तो अपराध है, दहेज अपराध तो है, लेकिन लोग इसी को मान रहे हैं ना, अपराध तो यही है। तो ये गलत है ना, लोगों को समझाना चाहिए, जैसे समझा पा रहे हैं ना, समझाइए आप। हाँ नहीं, कितनों समझाएंगे नहीं जो समझ पा रहे हैं लोग, क्योंकि बस केवल इस सरकार में यही परेशानी है। बात यह है जैसे कि जब रोजगार रहेगा लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आदमी को रोजी रोटी चाहिए, आवास या शौचालय से थोड़ी पेट भर जाएगा। अच्छा। अगर आदमी का रोजी रोटी चलेगा तो आदमी खुद कर लेगा, ना किसी आवास की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब बोल रहे हैं कि सब ठीक है उनके लिए, अरे यार तो उनके लिए ठीक है, उनको यहाँ चक्की आटा चक्की चलाते हैं वो, अब 95% बुनकर यहाँ है, तो एक चक्की वाले से सब 95% खुश हो जाएंगे। जैसे हमारी बिजली बढ़ेगी मैं पैसा बताइए, और अगर हमारा रोजगार चल रहा है 24 घंटे लूम चलाएंगे जब तक 500 रुपये काम करेंगे, तो 24 घंटे एक मजदूर काम कर सकता है? बताइए कैसे कर सकता है? अगर रोजी रोटी चली गई तो आदमी कुछ भी कर सकता है, रोजी नहीं चलेगी कुछ नहीं कर पाएगा। चुनाव को लेकर के हम लोग चर्चा, हम तो इत्तेफाक से इस जगह पर आ गए, लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि पावर लूम का जो काम होता है यहीं पर होता है। हमने देखा भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर लोग थे, हमने सोचा चलिए बात करें, लेकिन इत्तेफाक ये है कि हम उसी जगह आ गए जहाँ पर पावर लूम का ही काम होता है, कि खलीलाबाद फेमस है उसी की वजह से। हाँ, पावर लूम का काम होता है। क्या लगता है कि सरकार, ये जो पावर लूम है, सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया, लेकिन क्या ये पावर लूम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहीं है? कहीं नहीं है अभी, जहाँ लेकिन 60% रूम बंद हो चुके हैं, 40% चल रहा है रूम, 60% बंद हो, क्यों बंद हो गए? 40% चल रहा है, वो भी दूसरे के दम पर चल रहा है, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वही कुछ चलवा रहे हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। अच्छा, वजह क्या है? सूट माल बिक्री नहीं है, कहीं मार्केट रही नहीं गई है, सूट का दाम इतना महंगा हो गया कि मतलब आदमी को पता ही लग रहा है, उसी में सब परेशान है। अब दूसरा कोई ऐसा कारोबार नहीं कि मतलब सब उसमें चले जाएंगे, तब तक कब तक ये बंद हो गया होता है? अच्छा, कोई विकल्प नहीं है मतलब कि मतलब और कोई मतलब वो नहीं, तो जो पावर लूम का काम करते हैं उनके पास विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है ना, तब तो इसमें फंसे, बाहर भागना पड़ेगा काम, सब भिवंडी मुंबई से भाग के हैं, कहाँ कब घर पे चले गए। हाँ, पुश्तैनी काम था, इसको छोड़ के चले गए भाई, 40% मुश्किल चल रहा है। बिक्री में भी कुछ फर्क है? हाँ बहुत फर्क है, बिक्री है ही नहीं है, अब ये कपड़ा लोग कम पसंद कर रहे हैं। हाँ क्यों चाचा, ये मार्केट ये कपड़ा कम कुछ नहीं जानते, नाम से ना पूछे और पूछे है वाले है। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव जो हो रहा है, बाकी चुनाव पे आता हूँ, क्या ये जो पावर लूम का काम है, जो महंगाई है, आप बोल रहे हो कि यहाँ से लोग पलायन कर गए, ये सारे मुद्दे चुनाव में याद करके लोग वोट देंगे? 10 साल जो है जब से सरकार चली है मोदी की, जब से कारोबार एकदम बंद हो गया, सब बम्बई भिवंडी दिल्ली बंगलोर तक पहुंच गए, कोई रह नहीं गया है। अब जो देख रहे हैं वो भी आए हैं, फिर बकरी खत्म उस समय निकल जाएंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये मुद्दे हैं जो आप बता रहे हैं, पावर लूम बंद हो गए, लोग पलायन कर गए बाहर, मुद्दे पर, तो क्या इस मुद्दे पर वोट होगा इस बार? इसी मुद्दे पर वोट होगा। क्या
क्या होगा इस बार यहाँ पर? यहाँ जो है साइकिल जीत रही है, और क्या साइकिल जीत रही है।